गाइस मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने जो जो म्यूजिक और चीज़ें यूज़ की हैं वो सब ट्रिगर भाई से इंस्पायर हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब डोंट गिव मी कॉपीराइट क्लेम, दिस इज़ ओनली फॉर फन। प्लीज़ गाइस आप भी इस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें और कॉपीराइट स्ट्राइक से, और प्लीज़ यूट्यूब इंजॉय करने दें सबको, ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो बिना किसी तरीके शुरू करता हूँ, और ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है, ठीक है गाइस। कुछ अच्छे तरीके से डिस्क्लेमर मेरे को नहीं आता, इस वजह से मैंने सस्ता मुस्ता डिस्क्लेमर दे दिया है। और मैं एक दिन अपने कमरे में सो ही रहा था कि तभी मुझे दिखते हैं साक्षात प्रभु, और जो बोलते हैं क्रिंज की दुनिया को खत्म कर दो। तो मैंने भी बोला आई वॉज व्यू। उठो पुत्र उठो। कौन हो? मैं हूँ क्रिंज मिटाने वाला देवता। जी प्रभु, व्यूज नहीं आ रहे मेरे। मैं तुम्हें बताता हूँ व्यूज कैसे आएंगे। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे को व्यूज लाने का तरीका, ये है व्यूज लाने का तरीका। तुम क्रिंज की दुनिया में जाओ और क्रिंज खत्म करने की कोशिश करो पुत्र। जी जी महाराज, जी जी जी, जी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे अब साथ मैं जाता हूं, महाराज। रोस्टिंग कुछ क्रिंज बच्चों की और बड़ों की, और ये रहा आपके हाथ सामने सब्सक्राइब, और ये रहा लाइक, इन दोनों को ठोक दो। तो बिना किसी तरीके वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो मुझे साक्षात क्रिंज मिटाने वाले देवता ने अर्थ पे वापस भेजा और बोला क्रिंज मिटाओ पुत्र क्रिंज। और आई वॉज लाइक ये तो हमारे लिए व्यूज है, व्यूज व्यूज व्यूज। तो मैंने भी बोला मैं अभी जाता हूँ, और फिर सडनली मैंने अपना यूट्यूब खोला। नानी तुम्हारे वाह मो सिंदेरु, वो मेरे को दिखी ये वीडियो, आप देखिए। अबे तू खुद इतना छोटा है कि तेरी मम्मी जब झाड़ू मारती है तो ड्रॉर के नीचे से निकल जाए। अबे तू इतना छोटा है कि चींटियां तेरे को गालियां देके चली जाती हैं। अबे तू पता नहीं कितना छोटा है, छोड़ो। तेरे मम्मी पापा को भी खुश रहूं, तेरे घर में एक दामाद आएगा, खुश तेरे दामाद से, ठीक है? तेरे घर वाले देखी मैं हूँ, देख मेरे घर में, मेरे घर में एक बहू आएगी, ठीक है? मेरे घर में एक बहू आएगी, वो जो तू है, और इतनी क्यूट सी है तू, ठीक है? और देख जो होगा मेरी मम्मी को बहू रानी बना, देख हमारे बच्चे हो गए छोटे छोटे। अबे तू खुद 12 साल का बच्चा, बच्चे पैदा करने की बात कर, नुबड़े। वैसे तो मैं भी बच्चा ही हूँ, बट हम ऐसा नहीं सोचते, हम ठहरे शरीफ खानदान के और शरीफ माँ बाप के बच्चे। Stop it. Get some help. तो इन लोगों की इतनी जुरत, लड़की सामने से इनकार कर रही है, बच्ची तू हम दोनों की बच्ची होंगे, तू इतनी क्यों है? अबे धक तेरी तो, चाइल्ड अब्यूज कराओ भाई, पुलिस को बुलाओ। और सारे उसको देख के जा रहे हैं, कोई नहीं। और इनके माँ बाप ही होते हैं जो झाड़ियों के पीछे कैमरा लेके बैठे हुए हैं कि बेटा हमने तो स्क्रिप्ट लिखी है, बस तुमने ऐसे करना है। और लड़की भी बिल पैसों की खरीद के लाए हैं, आपने मेरे साथ प्रैंक करना है, हमने प्रैंक वीडियो शूट करनी है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। और आप भी अगर आप ऐसे क्रिंज से दूर रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अरे ये मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, क्या वो कोई नहीं है ना भाई, प्रैंक था, मेरी प्रैंक था, वो प्रैंक इतना बेहुदा प्रैंक था, प्रैंक को मैंने सीरियसली ले लिया था, ठीक है ना भाई? तेरे ऊपर है वो, तूने सीरियसली लिया, पर मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है। और अभी अभी क्या बोला तू, तेरे पास तेरी गर्लफ्रेंड है फिर भी दो दो के ऊपर लाइन मार रहा है? नहीं हम तो गधे हैं, फिर नहीं हम तो वाकई गधे हैं। अभी तुम लोग वाकई कमेंट में मत गधे बोलने लग जाना। इस बंदे के पास गर्लफ्रेंड है और वो भी झूठ मूठ की, ठीक है? असली की मत समझ लेना, कमेंट में स्पैम मत करने लगना भाई तूने तो बोला ऐसे ही वैसे। ये बच्चे देख सकते हैं इसमें कुछ वैसी वैसी हरकत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे नूबड़ों से जैसे ही दिखे ना चप्पल उतार के, भाई चप्पल लाइयो, चप्पल जल्दी ला, चप्पल ला, बाहर से चप्पल लेके आ, चप्पल जल्दी। ऐसे लोगों के लिए ना एक चीज आपको देता हूँ, वो इनको दीजिएगा तोहफे के तौर पे, उनको मेरा नाम भी लीजिएगा भाई साहब, ये चप्पल लो और ऐसे लोगों को मार दो। भाई मुझे लग गई। और चुप कर, तू भी उनकी तरह ही है। तो अभी अभी और नहीं, अभी क्रिंज बाकी है, अभी और आगे देखिए आप लोग, ठीक है ना गाइस? हां इट्स ओके, जा बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय। यार तू इधर बैठ जा, आई लव।
नहीं चप्पल लेके मार, इसे चप्पल मार, मैंने बोला ना चप्पल लेके मार। इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, मान जा भाई। क्यों क्यों कर ले, कर रही है मेरे साथ यहाँ पे, जा यार। अरे हार्ड जा ना, बच्ची है अभी, तू जा चल। अच्छा जी, ओहो अब तेरे को बच्ची याद आ गई, आ गए तू बड़ी, चवले वाट रहा था करके। तो भाई ये कुछ ज्यादा हो गया ना, इसको थोड़ा काट देंगे बाद में। तो उसके बाद सॉरी सॉरी भाई, मेरी गन ने, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी गन कहाँ पे है, मैंने तेरे को गन पकड़ाई थी ना गंदे मेरी, ये रही गन, ये रही, मैं मरने जा रहा हूँ। अबे सालो गन भी नकली दी है, थोड़ा सा तो अच्छा बजट ले आते तुम लोग। तो गाइस अभी और भी वीडियोस हैं, अभी और देखिए क्रिंज से भरी वीडियोस आपको और मिलेंगी, और क्योंकि ये मेरी पहली रोस्टिंग है तो इसके लिए थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ा सा सॉरी। हाँ गाइस, डू यू रियलाइज ये क्या सिखा रहे हैं, बहुत ही बेहूदी बातें सिखा रहे हैं, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर लड़की नहीं माने तो उठा के ले चलो भाई साहब। अरे बाबू भैया मस्त प्लान नहीं है ये, अभी ये जो म्यूजिक चला है ना कच्चा बादाम उसके ऊपर जो नया डांस आया है और वो भी दिखा दूँ, किन मैडम जी ने शुरू किया था और कैसे वो डांस फेमस हो गया, और वो चीज़ आप बिल्कुल देखने के लायक नहीं, उसके लिए बच्चों सॉरी। ये मैडम है जो कच्चा बादाम पक्का बादाम लेके लगी हुई है, इन्होंने ये डांस को शुरू किया था और ये डांस की वजह से सारी दुनिया स्क्रीन के लपेटे में आ चुकी है, माफ कर दीजिए इसका इलाज। तो गाइज ये मैडम जी, मेरा मतलब ये दीदी जी ढुमके लगा लगा के पता नहीं बच्चों को क्या सीख दे रही हैं, बच्चे भी इनके टिकटॉक और सब चलाते हैं, और इसके लिए मैं इनको बोलूँगा, रिकमेंड ज़रूर करूँगा, धक्के मार के निकाला जाए इनको, धक्के मार के। तो मैं इसीलिए बोल रहा था हूँ बच्चों अच्छी चीज़ें देखा करो, जैसे कि मेरी वीडियोस और एंजल गेमिंग की वीडियोस और निक्सन वाइटी की वीडियो, जिनको पबजी पसंद है मैं उन सबका डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकता लेकिन नाम बता रहा हूँ। जो एंजल गेमिंग का नाम है वो है एंजल एंड किसका गेमिंग, मेरा चैनल तो आप पता ही है, देख रहे होंगे, और जो है वो निक्सन वाइटी नाम का चैनल है। तो इसकी वीडियो आज की वीडियो में शाउट आउट भी जाएगा किसी को, वो आप आगे देखिएगा, और आपको भी चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो अभी और भी क्लिप्स बाकी हैं, अभी आप भी आपको दिखाता हूँ एक और मोहतरमा की। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, कहाँ से आ रही है, चल गई थी पानी लेके, ऐसे बर्थ खोल के आई है ना, जीजू आए थे ना, नहीं तेरे मुंह में मिठाई है ना, अपने आप ही मम्मी को बताऊं अब गिफ्ट दिया। गाइस ये रहे इनके जीजू जो छत पे टहल रहे थे, यही है इनके जीजू, यही लड़की अपने जीजू से मिलने गई थी, वो अपने निब्बे से मिलने गई थी, ये रहा इनका जीजू, कितना प्यारा जीजू है गाइस, देखिए तो सही एक दफा। दैट्स इट टुडे गाइस वीडियो, तो जानता हूँ ये मेरा पहला रोस्ट है, कुछ खास नहीं बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा आगे रोस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये पहला रोस्ट है मेरा, तो क्रिंज वीडियो तो मैं वैसे बिल्कुल नहीं बनाता भाई, क्रिंज तो फैला रहे हो ना अपनी वीडियो लोगों को दिखा के। क्रिंज नहीं फैला रहा गाइज, मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, क्रिंज को साफ करने के लिए मुझे साक्षात क्रिंज देवता ने भेजा था धरती पे वापस, क्योंकि मैं तो धरती के ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर उठा के मार्स पे चला गया था अपना बेड वेड लगा के। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेल डैन टेक एंड बाय, और जो शॉर्ट आउट बता रहा था तो वो मेरा नेट हो चुका है बंद, तो फिलहाल तो मैं स्क्रीन शॉट खींचना भूल गया, थोड़ा सा मैं भुला करूँ। तो बंदे का नाम बता देता, उस बंदे ने यह था ओपी वीडियो बाई, आप बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हो, तो उस बंदे का नाम है ओपी किंग। तो यही बस, आपको भी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा अगला शॉर्ट आउट।